हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटेटिव क्लासेस में। आज मैं आपको बताऊंगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो भारत का संविधान विकास में ये आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो मेरी इससे पहले वीडियो नहीं देखे भारत का संविधान विकास, उसमें मैंने रेगुलर एक्ट कब हुआ था, चार्टर एक्ट, सारा शासन अधिनियम, भारतीय शासन अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम बनाया, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख सकते हैं जाके। तो चलिए हम आज रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का जानते हैं। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गोपनीय समिति की रिपोर्ट पर 1773 में ब्रिटिश संसद द्वारा यह एक्ट पारित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य कंपनी में व्यापार भ्रष्टाचार एवं भूसान को दूर करना था। मद्रास एवं बंबई प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। कलकत्ता प्रेसिडेंसी के प्रमुख को गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल और उनकी परिषद इंग्लैंड स्थित निदेशक बोर्ड के प्रति उत्तरदायी थी। इस एक्ट में एक उच्चतम न्यायालय की गठन का प्रावधान था, जिसके तहत 1774 में कलकत्ता में 4 सदस्यों उच्चतम न्यायालय गठित किया गया। बंगाल प्रेसिडेंसी का पहला गवर्नर जनरल वारनेस हेस्टिंग्स था तथा उसकी परिषद के 4 सदस्य थे। पहला फिलिप फ्रांसिस, दूसरा मानसन, तीसरा वारवेल, चौथा क्लेवरिंग। एक्ट के तहत स्थापित भारत के पहले उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। तो यही आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहलाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय।